शारदीय नवरात्र के पहले दिन मुख्यमंत्री साय ने डोंगरगढ़ दर्शन यात्रा का शुभारंभ किया। सीएम विष्णुदेव साय ने यात्रियों की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शारदीय नवरात्र के पहले दिन मुख्यमंत्री निवास परिसर में मां बम्लेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ दर्शन के लिए जा रही निःशुल्क बस को रवाना किया। उन्होंने दर्शनार्थियों को मंगलमय यात्रा और दर्शन करने के लिए शुभकामनाएं भी दी। सीएम साय ने कहा कि माता रानी सभी का कल्याण करे, यही कामना है। आज नवरात्रि का पहला दिन है। मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और माता रानी की कृपा पूरे छत्तीसगढ़ पर रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके जीवन में सुख समृद्धि हो। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज काली माता अन्नदाता समिति द्वारा 4 बस मुफ्त में चलाया जा रहा है, जो मां बम्लेश्वरी का दर्शन डोंगरगढ़ में कराएगा। जितने भी भक्तजन हैं सब निशुल्क में मां बम्लेश्वरी का दर्शन कर पाएंगे। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं काली माता अन्नदाता समिति को भी कि उन्होंने बड़ा पुण्य का काम किया है, निशुल्क में बस ये चलाकर इससे हमारे श्रद्धालुओं को बहुत लाभ होगा और समिति को भी माता रानी की कृपा मिले, ऐसा माता रानी से कामना है।